नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं बीपी गंगा। देश भर में 7 फेज में चुनाव हो चुके हैं और अब कल नतीजे आने वाले हैं। तमाम एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी सरकार की हैट्रिक और विपक्षी गठबंधन खासकर कांग्रेस के सिमटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए की जीत में जातीय फैक्टर भी बेहद अहम है और इसलिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने लोकसभा चुनाव का जाति एग्जिट पोल किया और जाना कि किस जाति ने किस पार्टी पर भरोसा जताया। आपको बताएंगे जाति का परंपरागत वोट पैटर्न टूटा या बरकरार रहा, महिला वोटर्स की पसंद कौन रहा, मुस्लिम समुदाय ने किसे वोट किया, सवर्ण समुदाय ने किस पर जताया भरोसा। सबसे पहले आपको बता दें कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में करीब 62 से 66 सीट आने की उम्मीद है। वहीं इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं और अन्य का खाता भी नहीं खुलने वाला। इसके साथ ही वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को करीब 44 फीसदी, इंडिया गठबंधन को करीब 37 फीसदी, बसपा को 14 फीसदी और अन्य का वोट शेयर 5 फीसदी रहने का अनुमान है। अब आते हैं जाति फैक्टर पर। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पसंद एनडीए गठबंधन रहा है। एनडीए गठबंधन को महिलाओं का 42%, इंडिया गठबंधन को 35%, मायावती की बीएसपी को 16% और अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है। ओबीसी वोटरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को 45%, इंडिया गठबंधन को 41%, बीएसपी को 10%, वहीं अन्य को 4% वोट मिलने का अनुमान है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एनडीए को 36%, इंडिया को 25%, मायावती की बीएसपी को 35%, वहीं अन्य को 4% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं एसटी समुदाय का वोट किसे मिला। एनडीए को 36%, इंडिया को 38%, बीएसपी को 20%, वहीं अन्य को 6%। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवर्ण वोट बैंक की। सवर्ण वोट बैंक की बात करें तो एनडीए को 67%, इंडिया को 22%, बीएसपी को 8%, वहीं अदर्स को 3% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं मुस्लिम वोट शेयर की। मुस्लिम वोट शेयर लगभग एक तरफा इंडिया गठबंधन को जाता दिख रहा है। 75% वोट इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। एनडीए को 5%, बीएसपी को 12%, वहीं अन्य को 8% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखें तो एग्जिट पोल के मुताबिक महिलाओं सवर्णों ने एनडीए को जमकर वोट किया है, वहीं मुस्लिम समुदाय का वोट एक तरफा इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। ओबीसी वोटरों का वोट दोनों ही गठबंधनों में बटा है, वहीं एससी और एसटी वोटरों के वोट लेने में भी एनडीए ने बाजी मार ली है। यहां मायावती की बसपा ने इंडिया गठबंधन का नुकसान किया है, या यूं कहें कि हर कैटेगरी में मायावती इंडिया गठबंधन को झटका देते दिख रही है। खैर, ये तो रही एग्जिट पोल की बात। सीटों के मामले में भले एनडीए बहुत आगे दिख रहा, लेकिन वोट शेयर में वो इंडिया गठबंधन से बस 7% आगे है। ऐसे में असल नतीजे चौंका भी सकते हैं। जो भी हो, अब ज्यादा इंतजार नहीं बचा। किसका बजेगा डंका, किसकी डूबेगी नाव, 4 जून यानी कल सब साफ हो जाएगा। देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।